फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसे हेयर सीरम का रिव्यू, जिसको अगर आप यूज़ करोगे तो आपके जो बाल हैं बहुत ज़्यादा सिल्की, सॉफ्ट, शाइनी तो बनेंगे ही बनेंगे, उसके साथ बनेंगे हेल्दी भी। क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही ये वाले सीरम को अपने हेयर केयर रूटीन के अंदर इंक्लूड किया है, मुझे इसका जो है ऑसम रिजल्ट मिल रहा है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपके साथ ये वाले सीरम के बारे में शेयर करूं। तो ये सीरम आप कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी, इन द सेंस अगर आपके जो बाल हैं वो नॉर्मल हैं, केमिकली ट्रीटेड नहीं है, लाइक चाहे आपने कलरिंग करा रखी है, चाहे आपने रिबॉन्डिंग करा रखी है, चाहे आपने कैरेटिन करा रखी है, ये सबके साथ ही वर्क करता है, काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट भी देता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ प्रोडक्ट, देन मैं आपको दिखाऊंगी इसका क्लोजअप लुक, देन मैं बात करूंगी अपने एक्सपीरियंस के इस प्रोडक्ट को लेकर। तो मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वो है ये है लॉरियल पेरिस ब्रांड का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल हेयर सीरम। तो आइए देख लेते हैं इसका क्लोजअप लुक, देन मैं बात करूंगी अपने एक्सपीरियंस के इस प्रोडक्ट को लेकर। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की खूबसूरत सी पैकेजिंग में आता है लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम। आप देख सकते हैं इस तरीके की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है। मैंने पैकेजिंग को संभाल के रखा था क्योंकि इसी के ऊपर बेसिक इंस्ट्रक्शन भी लिखे होते हैं। प्लस मैं आपको दिखा दूं, अगर आप लेने जा रहे हो तो इस तरीके की पैकेजिंग में मिलेगा आपको। मैं आपको पास से इसकी बॉटल दिखा देती हूँ। तो ये प्लास्टिक की बॉटल नहीं है, ये कांच की बॉटल है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ पास से। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टेक्सचर है इसका, जैसे ऑयल का होता है एंड सीरम का होता है। तो मैं आपको इसके यूजेस के बारे में बता देती हूँ। आप देख सकते हैं वर्सेटाइल यूज के लिए है ये। आप शैम्पू से पहले भी इसको लगा सकते हो, आफ्टर दैट शैम्पू कर सकते हो, आप हेयर ड्रायर यूज करो उससे पहले भी इसको यूज कर सकते हो। नंबर पे आप देख सकते हो कोई भी स्टाइलिंग टूल, मतलब ड्रायर या फिर हेयर स्ट्रेटनर या क्रिम्पर रॉड कुछ भी यूज कर रहे हो, तब भी आप इससे पहले ही, मतलब कर्लर या स्ट्रेटनिंग से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये आपके बालों में एज अ प्रोटेक्टर का काम करेगा और साथ में आपके जो बाल हैं वो जलेंगे नहीं। तो काफी अच्छा हेयर सीरम है ये वर्क करता है हेयर फॉल को रोकने के लिए, हेयर के ऊपर लगाने के बाद एज अ प्रोटेक्टर का काम करता है। कुछ भी इसके बाद आप यूज कर सकते हो, स्टाइलिंग टूल्स यूज करने से पहले आप इसको जरूर अप्लाई करें। फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो मुझे ये पड़ा है 400 रुपीज़ का, वैसे इसका एक्चुअल प्राइस है 500 रुपीज़ फॉर 100 ml, बट मैंने इसको नायका की हॉट पिंक सेल में लिया था तो मुझे 400 का पड़ गया था। ये स्टील डील लगी मुझे तो, क्योंकि लॉरियल जैसे ब्रांड में ऑफ मिलना बहुत ही मुश्किल है। प्लस वर्क भी बहुत अच्छा करता है, और अगर आप कोई अच्छे से सीरम के सर्च में हो, चाहे आपने कैरेटिन कराई हुई है, रिबॉन्डिंग कराई हुई है, नॉर्मली आपके हेयर्स हैं, आप आपके बालों को एक फिजीनेस से बचाना चाहते हो, बहुत अच्छी शाइन प्रोवाइड करना चाहते हो, हेल्दी बनाना चाहते हो, देन आप इसको ले सकते हो। क्योंकि ये जो है नॉर्मल वाला सीरम नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम है। और आप देख सकते हो ये इन्फ्यूज्ड विद है ब्लेंड ऑफ 6 फ्लावर एक्सट्रैक्ट ऑयल। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये, मैं इसको काफी बार यूज कर चुकी हूँ। तो आपने इसका क्लोजअप लुक भी देख लिया, मैंने आपको इसका टेक्सचर भी दिखा दिया। अब बात कर लेते हैं मेरे एक्सपीरियंस के इस प्रोडक्ट को लेकर। तो मेरा एक्सपीरियंस इस वाले हेयर सीरम के साथ काफी अच्छा रहा। मैं डर रही थी इसे लेने से पहले, क्योंकि ये जो है इसका जो नाम है वो है लॉरियल पेरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल हेयर सीरम। तो मुझे लगा ऑयल हेयर सीरम है तो ऑयली और चिपचिपा ना हो, बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो है बालों को जो है नरिशमेंट तो प्रोवाइड करता ही करता है, साथ में बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं है, हल्का फुल्का तो आपको लगेगा, बट बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं डर रही थी कि ऑयल हेयर सीरम है तो ये ना हो कि ऑयल की बॉटल मिल जाए, तो इसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इसने मेरे हेयर्स को बहुत ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर दिया है। जब भी मैं हेड को वॉश करती हूँ हमेशा इसी को अप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिल रहा है। बहुत बड़ी बॉटल है, आप देख सकते हैं 100 ml की क्वांटिटी ली है मैंने, क्योंकि लॉरियल पेरिस पहले से ट्रस्टेड है, मैं इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं यूज़ करती ही रहती हूँ, तो मुझे लगा लॉरियल पेरिस को ही ट्राई करना चाहिए। क्योंकि जो है इसमें ऐसा कोई सोचने की बात नहीं है कि 30 ml लूँ कि 100 ml लूँ, दो ऑप्शन अवेलेबल थे
और सीरम जो है मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं कि कभी कभी, रेगुलरली जितनी बार मैं हेड वॉश करूँ, चाहे वीक में दो बार ही करूँ, चाहे तीन बार ही करूँ, कई बार तीन बार भी करती हूँ तब भी इसको यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा जो है रिजल्ट देता है, बालों को सिल्की सॉफ्ट नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। इसका जो प्राइस है वो है 500 रुपीज़, बट इसके ऊपर हमेशा ही सेल और ऑफर चलता है, तो इससे नीचे ही का आपको पड़ेगा। इससे पहले मैं लिवॉन यूज़ कर रही थी और लिवॉन भी काफ़ी अच्छा है। इस बार मुझे लगा क्यों ना मैं लॉरियल पेरिस के नए वाले को ट्राई करूँ। ये नया वाला है जो इन्होंने निकाला है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल हेयर सीरम को देख के डाउट करें मेरी तरह ऑयली ना हो बहुत ज़्यादा, तो वैसा ये नहीं है। तो वर्क तो ये बहुत अच्छा करता है, बालों के टेक्सचर को स्मूथनेस तो प्रोवाइड करता ही करता है, साथ में बालों को हेल्दी भी बनाता है। प्लस लॉरियल एक ट्रस्टेड ब्रांड है, तो आप अनडाउटली इसको ले सकते हैं। तो यही थी बस मेरी आज की वीडियो रिगार्डिंग लॉरियल पेरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल हेयर सीरम को लेकर। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप भी थोड़े से डाउट में हैं इसको लें या ना लें, आप इसको डेफिनेटली ले सकते हैं। आपके बाल कैसे भी हों, नॉर्मल हो, केमिकली ट्रीटेड हो, रिबॉन्डिंग वाले हों, कैरेटीन वाले हों, हेयर स्पा कराए हो, जब मर्जी आप इसको लगा सकते हैं। तो यही थी बस मेरी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि मैं जैसे ही न्यू वीडियो डालूं तो अपडेट आपको मिल सके। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, बाय।